अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब भाई ठीक ठाक होंगे, खैर खरीत से होंगे और शौक शिकार भी जो अच्छा जा रहा होगा। तो फ्रेंड्स जान से ना आप ये माशाल्लाह इनके चेक करें, तकरीबन डेढ़ हफ़्ता हो गया क्रूज़ माशाल्लाह आप चेक कर लें मैंने, क्योंकि इनकी जो है ना हफ्ता डेढ़ पहले से इनकी मैं डेली जो है ना बीच में वीडियोज़ में इनको मैं लेके आता रहता हूँ, ताकि आप भाई देखते रहें साथ साथ इनकी क्रूज़ वगैरह भी, ठीक है? क्योंकि जो भाई कहते हैं कि नहीं ऐसे नहीं होता, तो ये ख़ास कर उनके लिए और ख़ास कर जो है ना न्यू जो शौक करते हैं नए भाई हमारे, तो वो जो है ना बगैर किसी, क्योंकि कुछ लोग होते हैं वो सिर्फ जो है ना कुछ चीज़ें वगैरह बता देते हैं, एक दफ़ा वीडियो में बता दी ठीक है उसके बाद ख़त्म, ना उसका रिज़ल्ट दिखाया ना कुछ। तो जो है ना मैं ऐसी नहीं है, मेरा वाले साहब मैंने तो जो किया ये माशाल्लाह आपके सामने है सब कुछ ठीक है जी। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो है ना घर का पट्ठा, ये 5 माह का हो गया, 5 मंथ इसकी एज होगी है। हम माशाल्लाह इसकी भी क्वालिटी चेक कर लें, परों की क्वालिटी चेक करें, क्योंकि आजकल क्रूज़ के दिन है ठीक है, ये अलग अलग जा रहे हैं। तो जी फ्रेंड्स आज असल में हमारा टॉपिक जो है वो क्रूज़ का रिज़ल्ट दिखाना नहीं है ठीक है, हमारे जो टॉपिक है वो ये है कि जैसा कि आजकल मौसम चेंज हो रहा है और ख़ासकर आजकल पंजाब में तो कुछ ज़्यादा जो है ना अप डाउन होता है एकदम, क्योंकि दिन टाइम काफ़ी गर्मी होती है ठीक है, और रात को काफ़ी ज़्यादा जो है ना ठंड हो जाती है, क्योंकि हर दूसरे तीसरे दिन इधर यही हिसाब बना हुआ है कि जो है ना बारिश वगैरह आ जाती है, रात को हवा वगैरह बहुत तेज़ चलती है, तो उस वजह से जो है ना इनका मुर्गे इससे काफ़ी डिस्टर्ब होते हैं। और ये आखिरी महीना है गर्मी का, इसके बाद अब आहिस्ता आहिस्ता ठंड आनी शुरू हो जानी है। तो फ्रेंड जो है ना मेन बीमारियाँ जो मुर्गों को लगती हैं ना, ये बात आप याद रख लें कि वो इन्हीं दो मौसमों में लगती हैं, ख़ास कर जो सी ज़्यादा बीमारी लगती है मुर्गों को, वो जो उनसे दिन कौन से होते हैं, जैसा कि अभी कुछ टाइम बाद जिस तरह ना अभी गर्मी जाने लग ख़त्म होने लग पड़ेगी और ठंड आएगी, मौसम चेंज वेदर चेंज होगा ठीक है, एक इस टाइम और एक जब ये सर्दी जब जाएगी और गर्मी स्टार्ट हो रही होगी, एक उस टाइम जो उनसे ना मुर्गों को काफ़ी बीमारियाँ लगती हैं ठीक है। तो मैंने सोचा आज भी इस पर भी जो है ना एक वीडियो बना देते हैं ठीक है, या माशाल्लाह मुर्गे का भी साथ से शौक चेक करें, बहुत ही हमारा माशाल्लाह आउट क्लास का मुर्गा है, बस इसने जो है अपनी आगे से इधर जब शिफ्ट हुए तो ये इनके जी शेजेज बनने से पहले ना ये कहीं पिंजरों में थे, तो इसने जो है ना अपनी चोंच तोड़ ली थी एक जी, ये फ्रेंड्स तो इसने अपनी चोंच वगैरह तोड़ ली थी ठीक है, तो पर जो है ना इसकी असल में जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना उतर ही गई थी बिल्कुल स्टार्ट से एंड तक, इसने बिल्कुल अपनी चुंझ उतार ली थी, बट अब अल्लाह का शुक्र है ये काफ़ी जो है ना तकरीबन 90% इसकी चुंझ जो है मुकम्मल हो चुकी है। ये साथ इसके एक मादी ये अंडों में बैठी है, इंशाल्लाह ये भी जो है ना करीब आपको कोई नई ब्रीड ही ला के देगी ठीक है, अंडे रखे हुए हैं तो ऑलमोस्ट जो है ना नेक्स्ट मंथ 7 सितंबर तक जो है ना चूज़े वगैरह निकल आएंगे हमारी डेट के मुताबिक, बाकी एक दो दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं ठीक है। अब दुआ करें कि निकलें खैरियत से, एक और भी मुर्गी है ठीक तकरीबन 7 दिन बाद हफ्ते बाद जो है ना एक संडे को ये निकालेगी, अगले संडे को दूसरी मार निकालेगी जो ब्लैक लसवानी वाला पेयर हो उसके निकलेंगे चिक्स। तो फ्रेंड सच बातों बातों में टॉपिक से हम हट गए थे, तो हम जो है ना इस आप दोस्तों को बताना कि अब हमें इस मौसम में करना क्या चाहिए ठीक है, जैसा कि अब मौसम चेंज हो रहा है, तो मैं तो फ्रेंड जो है ना वैक्सीन वगैरह नहीं करता ठीक है, करनी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान में जो है ना सीधी बात बताऊँ तो बहुत कम जगह हैं जहाँ से आपको सही ऑथेंटिकेटेड सही वैक्सीन मिलेगी, नहीं तो आप यहाँ से अगर मार्केटों बाज़ारों में जाते हैं ना पाकिस्तान में, उन्होंने आपने देखा होगा कि बहुत कम ही कई दुकानें होती हैं जिन्होंने वैक्सीन वगैरह बर्फ़ों में रखी हुई होती हैं, नहीं तो आपको इसी तरह उठा के दे देंगे जी ये दो तीन कतरे आंखों में डाल लें और मुंह में डाल लें बाजी और इसी तरह। लेकिन ये बात याद रखना जो वैक्सीन होती है ना किसी भी किस्म की है, जानवरों की या इंसानों की, वैक्सीन हमेशा फ्रीजिंग स्टेज पर होती है, भी ठंड में होती है या बर्फ़ में होती है या डीप फ्रीजर में उन्होंने रखी हुई होती है, जब देते हैं तो वो तब भी बर्फ़ में जो है ना लपेट वगैरह रख देते हैं भाई ले जाएँ, लेकिन हमारे पाकिस्तान में वो सिस्टम नहीं है और उससे वैक्सीन जो है ना वो जहर बन जाता है। तो मैं तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल सा तरीका करता हूँ ठीक है,
अभी आपको मैं करके भी दिखाऊंगा। तो एक मिनट आप साथ रहें। जो से पेंसिलिन का टीका मिल जाते 5 लाख या 10 लाख जो से ना पेंसिलिन, तो मैं एक मिनट आपको दिखाता हूँ।